Prakar, you bowled a bouncer. That would have been intentional, of course. आपने देखा नहीं कि यार ये स्कूल का बच्चा है 16 साल का, यार चोट लग जाएगी। देखें, देखा तो पहले टेस्ट मैच में था, क्योंकि जब पहली दफा ग्राउंड में when he walked onto the field, we literally thought they're joking, you know. किसी को मूछ दाढ़ी नहीं आई और बिल्कुल ही बच्चा आपने भिजवा दिया। और उससे पहले जब अंडर 19 इंडिया की टीम पाकिस्तान में जब आई थी, आई रिमेम्बर वी प्लेड अजय जडेजा वाज देयर, नाइन मोंगिया इन दैट, एंड दे वर रियली टॉकिंग अबाउट सचिन, कि जी सचिन एक वंडर बॉय आएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम जो इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी। ही कुडंट कम बिकॉज ही हैड आई गेस एचएससी एग्जाम्स और कोई एग्जाम्स है जिसकी वजह से नहीं आ सका। तो व्हेन ही वॉक्ड ऑन टू द फील्ड वी ऑलवेज थॉट यू नो बिल्कुल ही बच्चा ले आए, नो ऑनेस्टली, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ही विल बिकम सच अ स्टार दैट यू नो ही विल रूल द वर्ल्ड बेसिकली विद हिज बैट। अच्छा, जब सचिन को बॉल लगा, क्योंकि अजीत यहां बैठे हैं, अजीत ने यह किस्सा हमें पहले भी सुनाया है, अजीत कह रहे हैं कि मैं क्राउड में था और मुझे एक्चुअली आवाज आई बॉल लगने की क्राउड में बैठ के। सचिन को बॉल लगा उस वक्त ऑन द फील्ड रिएक्शन क्या था, कितनी देर उनको लगी खड़े होने में, और क्या आपको लगा कि यार अब ये बच्चा बैटिंग नहीं कर पाएगा? पहली बात की है कि इतना ज्यादा जोर का नहीं लगा था जितना बन गया है, खून तो निकला था। अगर वो बहुत ज्यादा लग जाता, क्योंकि विदाउट ग्रिल वो खेल रहे थे, इट वॉज ऑफ द ग्लव्स, तो और लगा था ऑफकोर्स। फिर भी 16 साल के बच्चे को अगर बॉल लगे तो वैसे ही वो प्रॉब्ली गेम से ही भाग जाता है, बट ये और नीचे भी नहीं गिरा था एक्चुअली, और ही स्टूड बाय एंड यू नो शुक हिज हेड एंड मे बी टुक मे बी कपल ऑफ मिनट्स एंड ही वाज रेडी टू बैट अगेन। एंड दोज टू थ्री मिनट्स वर दी प्लेयर्स स्लेजिंग हिम कि यार चल अब तू जा यार? देखिए, स्लेजिंग पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो होती है, ये तो चाहे रेफरी हो या एम्पायर हो या जो भी हो, वो तो होता है, वो तो आपको शेयर भी बताएगा वो तो सब बताएंगे। अब ये झूठ बोल देना कि जी नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तो हमें होता है, लेकिन बेचारा मरता अंपायर है बीच में, उसको बड़ी पड़ती है आगे पीछे दोनों तरफ से, तो वो आई गेस वो तो चलता है। आई डोंट थिंक उस टाइम हमारी टीम एक्चुअली बड़ी अच्छी थी, नो डाउट, उसमें आपका पास यूथ भी थी और एक्सपीरियंस भी था, जिसमें इमरान खान था, जावेद मियांदाद था, सलीम मलिक थे, यू नो बड़े नाम भी थे, एंड देन हम लोग यंगस्टर्स में मैं था, वसीम वॉज जस्ट कमिंग थ्रू, अभी एक साल डेढ़ साल हुआ था खेले, तो आज तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा, और जिस तरीके से उस बॉलिंग अटैक को हैंडल करना ऑल दोज टेस्ट मैचेस, नॉट ओनली एक टेस्ट मैच है, दौड़े चार टेस्ट मैच की सीरीज थी, और चारों टेस्ट मैच ऑन अ ग्रीनिश पिचेस, हमने बड़ी अच्छी पिचेस बनाई थी क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग बेहतर थी आप लोगों से, तो आई थॉट ही प्लेड सुपर्बली। आई रिमेंबर इमरान खान हैड सेड दैट देयर वर टू यंगस्टर्स, सचिन तेंदुलकर एंड इंजमामुल्लाह, की सेड कि इंजमाम जो है फास्ट बॉलिंग को बेटर खेलता है। पकार, आपसे बड़ा फास्ट बॉलर तो कोई था नहीं, लुकिंग बैक सचिन को आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में कहां प्लेस करते हैं? और राइट एट द टॉप, आई मीन मुझे कहने की जरूरत नहीं है या किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्टैट्स ही बता देते हैं कि यू नो व्हाट ही हैज डन, नॉट ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये भी बात बड़ी होती है कि इंडिया के अंदर आप रन कर लो या पाकिस्तान या श्रीलंका जो बैटिंग पैराडाइज है उन पर बैटिंग कर, बट ही हैज गॉन अब्रॉड लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ही स्कोर्ड रन एवरीवे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यू नो ऑन, और उस वेस्ट इंडीज के जिससे लोग डरते थे, अब तो चलो वेस्ट इंडीज बिल्कुल उतनी अच्छी टीम नहीं रही जितनी इन द 90s में थी, तो आई थिंक उसके स्टैट्स खुद ही बताते हैं, फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, आई थिंक ही इज राइट एट द यू नो टॉप टू और थ्री। शोएब, 98-99 मुझे याद आ कि आपने कहा कि सचिन को आपने कहा जब आप बैटिंग करते जा रहे थे कि मेरा नाम सुना कि नहीं सुना, तो फिर बाद में कहा कि यार आज के बाद तो मेरा नाम ही भूलोगे नहीं, वो भूला भी नहीं। नहीं, मैं जब इंडिया आया तो मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं था सचिन के बारे में, खैर मुझे अभी अपना भी आइडिया नहीं था कोई खास, कि मुझे कि विक्की भाई खेल रहे थे, पहले दो टेस्ट मैच खेल रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं चांस बनेगा तीसरे टेस्ट मैच में या मुझे खेलना पड़ेगा, तो एक तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, मैं साजन गिन को फॉलो किया, राणा बिन की तरफ भागता बिन की तरफ एक्शन भी ऑलमोस्ट बेसिकली क्रिकेट देख के इनको स्टार्ट किया हमने, तो हम सब ने ऑलमोस्ट, सो फास्ट बॉलिंग जो यूथ थी, सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी क्रिकेट में, जो इंस्पिरेशन खत्म हो गई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में, हीरोज खत्म हो गए हैं, उसकी वजह से भी क्रिकेट की फॉलोइंग कम हुई, टैलेंट आना कम हुआ, पैसे नहीं और ऊपर से कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत हुई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई, बट वहां पर
जब मुझे पता लगा राइट द लास्ट मिनट के विक्की भाई नहीं खेले तो मैं जब बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि मैंने शूज भी नहीं पहने हुए थे इनके शूज थे या इन्हीं ने मुझे दिए हुए थे डरबन में वही पहने हुए थे। और जब सचिन जब आए बैटिंग करने मुझे कोई इतना वो आइडिया नहीं था, इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि कितने बड़े स्टार हैं, कितना बड़ा नाम है। वो जब आए तो मैंने एक बात जरूर देखी कि वो मेरी खैर बॉलिंग देख के नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा कैजुअल आ रहे थे। जो पिछला आपने विकेट लिया था, हाँ मुझे लगता है जितना बॉल स्विंग हो रहा है, और मुझे अच्छी तरह याद हो टेस्ट मैच में सारे बॉलर बॉलिंग कर कर थक गए और मुझे स्पेल मिला लंच के बाद और माशाल्लाह बॉल भी ठीक ठाक बना हुआ था और बॉल स्विंग हो रहा था। मैंने ड्राइवर को बॉल किया तो ड्राइवर बाय द वे इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में इससे बेहतर कोई प्लेयर नहीं आया, इतना जबरदस्त डिफेंस है और बहुत मुश्किल है उसके आउट करना। अगर उससे बॉल निकल जाए तो मेरे ये था कि चांस कि सचिन से मैं गुजार लूंगा बॉल, सो मुझे लगा वो थोड़े कैजुअल आ रहे हैं। सो यही बात मेरे जहन में चल रही थी कि ताकि उनको मैं बॉल करूं, स्विंगिंग यॉर्करी करूं, तो बस विसिम भाई साथ खड़े तो क्या यही बॉल करो और जोर से करना, तो पहला पहला बॉल अगर ये खड़ा हो गया तो फिर ये सारा दिन हमारा गुजार देगा यहीं पर। सो बस लकीली आई थिंक जब आउट हुआ फिर मैंने क्राउड का रिएक्शन देखा तो मैं बिल्कुल स्टंड हो गया and I was really stunned to see that how people reacted and how much people had a love for him and I realized that Sachin is just not just as a batsman, it's actually institution, it's an actually it is a guy that who actually good for the cricket. And then every now and whenever I played against him after that, I honestly tell you my deepest feeling of my heart that I felt honored, and I felt honored getting him out. I took pride to bowl against him, I took pride, to make sure that he does not hit me around. And I made sure whenever I gets him out, I felt honored. And I felt the way that, yaar, ki main ek us player ke saath khel raha hoon, duniya ke itne bade player ke saath khel raha hoon, jisne actually the cricket ki shape, he changed the shape of cricket, he changed the history of cricket, he changed the course of cricket. And he is not only, he's a hero of subcontinent, he is a hero across the globe. सो मैंने हमेशा प्राइड लेके और ऑनर समझ के बॉलिंग की। और दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊँ, मेरे काफ़ी चाहने वाले इंडिया में भी हैं। मैंने आपने मेरी किताब पढ़ी बोरिया कैन वाउच फॉर दैट, बोरिया हैव रेड द बुक प्रॉपरली। मैंने ये कभी नहीं कहा वो डरते थे मुझसे, मैंने ये कहा था कि उनकी एल्बो ख़राब थी और हम उसको चीज़ को जानते थे कि वो हुक एंड पुल नहीं कर सकते और हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और मुझे लगा सचिन अनकंफर्टेबल है। मैंने ये लव्ज यूज किया सचिन अनकंफर्टेबल है। सो उस चीज को अगर बाय द वे जिस चैनल के साथ काम कर रहा हूं उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क किया ये साथ बैठे हैं सो मैंने ये कहा था। और सेकंडली मैंने हमेशा मेंटेन किया कि सचिन अकेला मैच कभी कितना रन करेंगे, सो 150 भी करें, मैच को ऊपर से लेकर नीचे तक भी लेके आए और मैच भी बनाए, बट वन हेल्प द राइट And Sachin became a match winner, as I told you, as we discussed. फिर उन्होंने मैच भी जिताए और इंडिया को करके भी दिया, सिडनी में शो किया, फिर यहाँ वनडे में भी किया। बोरिया उनके बेस्ट दोस्त हैं, मैंने बोरिया से कहा, मैं बोरिया को ऐसी जगह लगता है कि तुम्हें मैंने लिखा कि सचिन मैच विनर नहीं है, लेकिन वाउच फॉर दैट ऐसी बात नहीं, लेकिन बर इट वॉज ऑनर। मैं ऑनेस्टली डीपेस्ट फीलिंग ऑफ माई हार्ट मैं बता रहा हूँ, इट वॉज एन ऑनर, इट वॉज अ प्लेजर and it was a bit of fear ke jaldi out kar lu aur jaldi se outswing acha outswing kar lu kyunki main bombay mein match khel raha tha abhi ipl ka to crowd obviously bombay ka crowd sachin and main shahrukh ko keh raha tha yaar ke it wouldn't be a good idea if getting me out because if crowd will mujhe chhodenge nahi unne kaha yaar tum bowling karo aur piche na khade hona फाइन लाइक बिना खड़े होना। मैं कहा यार इवन बेटर आइडिया। सो मैंने आउट किया सचिन को तो मैं बॉलिंग जान लगा था, मैंने कहा यार तुम कोई और चला जाओ पीछे यार क्योंकि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी पीछे। मैं फिर ऊपर आ गया था, बट वॉज लाइक फन। सचिन ने कहा मुझे तुम फिर आउट कर दिया मुझे, लाइक वॉज रियली फन, वेरी फन। अच्छा नहीं, जितने यहाँ पर हमारे क्रिकेट फैंस और गेस्ट बैठे हैं और जितने तमाम क्रिकेट फैंस इंडिया में देख रहे हैं, अब 80s और 90s में बड़ा फर्क आया वकार भाई, आपकी और शोएब भाई की जनरेशन में भी बड़ा फर्क है। आपके टाइम पर
इंडिया पाकिस्तान से हारता था और शोएब भाई के टाइम ऐसा आया जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराना शुरू किया। क्या उसमें सचिन तेंदुलकर वाकई में बहुत बड़ा फैक्टर थे? मैं आप दोनों से अलग अलग जानना चाहूंगा, सिर्फ सचिन थे या उनके इर्द गिर्द के प्लेयर्स भी थे? बड़ा गलत होगा सिर्फ सचिन को ही क्रेडिट देना। मेरे ख्याल में टीम डेवलप हो रही थी इंडिया की। इंडिया की टीम हमेशा इन द लेट 80s या 90s में, हमारा जो मिड 90s लेट 90s तक अंडर प्रेशर हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली, और ज्यादा क्रिकेट की कोई शारजा में होती थी। हमारी टीम भी अच्छी थी, हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद क्योंकि जब लोग रिटायर हुए तो थोड़ा सा गैप आने शुरू हुए, और ऑफ कोर्स आई मीन इंडिया की टीम भी डेवलप होने शुरू हो गई। सौरभ गंगुली ने आई थिंक वन शुड गिव हिम अ क्रेडिट, जिस तरीके से उसने टीम को डेवलप किया, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराया। ऑफ कोर्स सचिन, यू नो आप सचिन इज सचिन, उससे क्रेडिट, उसको तो हर चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि द वे ही हैज प्लेड क्रिकेट, नॉट ओनली टेस्ट मैच बट वन डे, इवन 20-20 क्रिकेट टू एन एक्सटेंड। तो आई थिंक yeah, सचिन तेंदुलकर वॉज अ मेन फैक्टर, राहुल द्रविड वॉज अ फैक्टर, आई मीन दीज लक्ष्मण वॉज अ फैक्टर। आई मीन ये जब ये लॉट जब आई ना तो टीम की शक्ल चेंज हुई और टीम की एक फाइट, अजय जडेजा मस्ट गिव हिम अ क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि वो एक स्पार्क, जैसे अब आपकी टीम में स्पार्क आ गया ना, कि कोहली आ गया, रायना था, तो आपके एक स्पार्क टीम में डिफरेंट स्पार्क है, यू नो एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो आई थिंक उस जमाने में वो चेंज हो रहा था, तो दैट्स वाई वी स्टार्टेड लूजिंग एंड देन दे स्टार्टेड बीटिंग अस। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन ने हर इरा में रन्स किए हैं, और जिस इरा में सचिन ने रन्स किए ना, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी पता है दुनिया क्या कहती है 80s के बारे में, मैं तो उस इरा को देखा हुआ, जो इरा आया है ना 90s में, इसमें दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन बॉलिंग थी। इसमें स्पिनर्स भी टॉप क्लास के थे, फास्ट बॉलर तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट थे, अभी सामने बैठे हुए वसीम, बकार भाई, मैग्रा, वॉनी, उसमें सकलैन है, मुश्ताक हैं, सारे हैं, दुनिया के नंबर उठा के थे। वेस्टइंडीज के बेहतरीन फास्ट बॉलर, और चार उनके वेस्टइंडीज के, एम्ब्रोस, कर्टली, वॉल्श, पैटरसन, और ये बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग थी। मेरे ख्याल में उस इरा में रन्स करना सबसे मुश्किल काम था, और उस इरा में सचिन ने रन्स करके दिए, और मैं मानता हूं इस चीज को कि उस इरा में जिस बैट्समैन ने रन्स किए हुए, और बाय द वे बाउंसर्स भी पूरे 5 के 5, 6 के 6 कर सकते थे उस इरा में, बॉल भी बना होता था, रिवर्स हो रहा होता था। मेरे ख्याल में जिसने रन्स 80s 85 से लेकर 2000 तक किए, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इरा, मेरे ख्याल में सचिन को इस चीज का क्रेडिट ज्यादा जाता है कि उसने बहुत मुश्किल इरा में रन कर दिए और हर टीम के खिलाफ कर दिए। आई मीन वो दुनिया का तेजस्वी बॉलर हो, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हो, या कोई बॉलर हो, वॉनी हो, वसीम भाई हो, मेरे ख्याल में उन्होंने हर जगह रन कर दिए और बता दिए, अपने क्लास बता दिए, और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। सो भाई कहते हैं ना टीम मीटिंग्स में काफी रणनीति, स्ट्रैटेजी, आप रणनीति नहीं समझेंगे, स्ट्रैटेजीज बड़ी बनती हैं। सिर्फ सचिन को लेके कितना टाइम दिया जाता था एक एवरेज टीम मीटिंग में? आई थिंक मीटिंग ही उसी पे हुआ करते थे सिर्फ। हाँ बहुत ज्यादा कोशिश ये हुआ करती थी उसका किट बैग ही उठा के ले जाएं, लेकिन इतनी बुरी आदत सचिन की, बैट अपने साथ ही लेके जाता है होटल में, तो वो भी ऑप्शन खत्म होगी, ऊपर सिक्योरिटी टाइट थी, और दोस्ती भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि बंदा कह ले बात ही कर ले उससे। लेकिन ये है कि देखिए ग्रेट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर है, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, और कोई किसी को कहता भी है और बड़ा उल्लू का पट्टा है। अच्छा बात यह है कि सिंपल सी बात है, सचिन के आउट हो जाने से इंडिया टीम नीचे लग जाती थी, इसमें कोई शक नहीं। साइकोलॉजिकली आप नीचे लग जाते थे, और हमें ये पता लग जाता था कि अब मैच आपका फंस गया है और अब मुश्किल है आपके लिए। लेकिन जब वो खेल रहे होते थे तब ये था कि ये रन बड़ी तेजी से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना इनकी, और ये टेस्ट मैच, एक ही वनडे में टेस्ट मैच के प्लेयर होते हैं, फिर वनडे के भी बन जाते हैं, टी ट्वेंटी के प्लेयर भी बन जाते हैं, इनमें अल्लाह ने एबिलिटी इतनी ज्यादा दी हुई है। और मीटिंग में यही कोशिश की गई थी कि सचिन का जो फुटवर्क है, आते वक्त बल्ला निकल जाता है, आगे निकल जाता है, तो आउट स्विंग पे कोशिश की जाए, आउट बॉर्डर तक क्रीज जाके आउट स्विंग पे उसको आउट किया जाए, और वो लगभग चांस ही होते हैं, अगर हो जाए तो मेहरबानी उनकी, नहीं तो फिर वो 100 से कम बात नहीं करते। लेकिन मीटिंग में उन पर ये बहुत ज्यादा, लेकिन विदाउट
टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन सहवाग भी उस वक्त बहुत लीथल खेल रहा था और बड़ा एक जालिम किस्म का ओपनिंग स्टैंड बन चुका था. दैट वॉज द ओपनिंग स्टैंड दैट इज रियली स्केर्ड अस. एंड एक से जान छुड़ा दूसरा पड़ जाता था. सो और दूसरा दूसरा ये कि मुश्किल दूसरा ये कि आई थिंक ड्राइवर्ट के आने से आपकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग हुई पिचर से और बहुत थकाता था यार वो, बहुत थकाता था. मैंने कहा यार तुम मुझसे बाहर बारी ले लिया कर, अंदर ना लिया कर. अच्छा सेंचुरियन वाला मैच जो बोरिया ने थोड़ी देर पहले बात की, वो बहुत बहुत फेमस मैच है वर्ल्ड कप 2003. तो प्रेशर भी बहुत था उस दिन, इंडियन क्राउड, पाकिस्तानी क्राउड, वर्ल्ड कप का मैच, आपने रन भी बहुत ज्यादा बना दिए. उस वक्त कहते हैं कि लंच ब्रेक में, मुझे बोरिया ने आज एक किस्सा बताया, सचिन ने कुछ खाया नहीं. जो सपर ब्रेक थी, सचिन ने सिर्फ आइसक्रीम खाई, उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम तो उनको अंदर ठंडक होनी चाहिए थी. जिस गर्मी के साथ वो आए, क्या वकार भाई आप कप्तान थे, आपने एंटीसिपेट किया था कि सचिन इस तरह का काउंटर अटैक करेंगे? उस जमाने में 270 रन साउथ अफ्रीका में काफी रन थे. जी बिल्कुल, 270 रन जिस पोजीशन से हम आए थे, हमारे अर्ली विकेट्स लूज हुए थे, फिर हम नीचे ऊपर से सईद अनवर स्टिक अराउंड कर गए थे और 100 कर गए थे, और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मिड सेशन तक हमारा स्कोर इतना हो गया था कि वी वर वेरी कंफर्टेबल. स्पेशली जिस तरह की शुएब उस बॉलिंग कर रहा था, वसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, मैं उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था जितने ये दोनों बॉलिंग अच्छी कर. तो हम लोगों ने जो चेंज स्ट्रेटेजी ये की थी कि आई वॉज बॉलिंग अ न्यू वन, वी थॉट कि जी शुएब को नया बॉल देते हैं एंड ट्राई टू गेट दीज अर्ली विकेट्स, क्योंकि अर्ली विकेट्स अगर नहीं मिलेंगी तो ये 260-270 रन, यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू डिफेंड, क्योंकि पिच अच्छी थी नो डाउट. लेकिन वी नेवर एवर थॉट कि वो लोग इस तरह का प्लान करके आएंगे. आई डोंट नो इफ दैट वॉज द प्लान और इट वॉज जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट, बिकॉज क्राउड भी काफी अच्छा था, देयर वाज अ बैकिंग इंडियंस की बैकिंग भी वहां पे बहुत ज्यादा थी. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज नॉर्मली सहवाग को तो देखा है इस तरह खेलते हुए, सहवाग कम्स आउट एंड प्लेज इज शॉर्ट, क्योंकि अच्छी बॉलों पर भी चौका मारता है, बट नॉट सचिन, क्योंकि सचिन नॉर्मली ही टेक्स हिज टाइम, ही बिल्ड हिज इनिंग. बट दे केम इन द फर्स्ट फाइव ओवर्स, हम लोग गेम में बहुत पीछे चले गए थे इंडिया से. उसको उसकी रिकवरी और योर डैमेज जो हो गया था उसको रिकवर करते करते ही मैच, जब तक हमने आउट भी किए 4-5, बाय द टाइम इट वॉज टू लेट. बट यू नो जिस तरीके से वो फर्स्ट फाइव ओवर्स खेले, फिर जू ही सहवाग आउट हुए और ही बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर. दे बोथ अटैक टू बिगिन विद एंड सडनली वंस सचिन गॉट और सहवाग गॉट आउट, ये जिस जैसे कह लेते ना वो आइसक्रीम आई थिंक स्टार्टेड वर्किंग देन. मैं क्या कहूं, नहीं आपको कहना पड़ेगा. वो इंडिया में तो कम से कम वो इतना हम दिखाते हैं वो स्क्वायर कट. उस रात पहले मेरा घुटना इतना सूजा हुआ था, नो एक्सक्यूज, तीन इंजेक्शन लगवाए बताए कप्तान को बताए बगैर, बिकॉज मेरा घुटना, इनको पता है मेरा 95 से टूटा हुआ है, 96 से ही टूटा हुआ घुटना. तो वो तो मैं वैसे अपने मेंटल जो मैं जितना दिमाग सख्त था उससे खेल ही जा रहा था, अदरवाइज तो डॉक्टर तो कह रहे थे पांच टेस्ट मैच खेलो, दो दिन ऐड करो, पैसे बना निकल जाओ. लेकिन ये कि जब सचिन आया सेंचुरियन में, अब मुझे लगा कि ये अब फोकस है और जो बॉलिंग मैं करना चाह रहा था मुझे हो गई थी, और दैट ही वॉज लाइक थ्रैशिंग मी अराउंड, लाइक ही वॉज लाइक पंचिंग द बॉल, एक्चुअली नॉट स्टॉपिंग द बॉल, ही वॉज लाइक पंचिंग द बॉल डाउन द ग्राउंड. और विकेट भी अच्छा था, और जितनी तेज मैं बॉल करता था उतनी तेज शॉट वापस आ जाती थी. और फिर फाइनली मैंने कहा कट पे जरा पीछे बॉल करूं ताकि देखूं शायद कि बॉडी पे आए. वो बाद में ऐसे आउट भी हुए, लेकिन मेरी डायरेक्शन जो बॉडी की डायरेक्शन गिर रही थी, वो इतनी जोर से शॉट मारी वो पॉइंट पे चक्का हो गया. और काफी सालों तक मैं यही सोचता रहा कि अगर मेरे एक छक्का खाने से इंडिया इतना खुश होता है तो मैं रोज ना खा लूं उनसे. तो इतना मुझे उस वक्त सचिन ने बड़ी अमेजिंग बैटिंग की, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. एक तो मैंने पहले वकार भाई कहते मुझसे बॉलिंग हुई नहीं रही, मुझसे बॉल गिरी नहीं रहा. और फिर विक्की भाई खुद आ गए, उन्होंने आते साथ ही सौरभ को आउट किया, और सहवाग को, राइट, पहले सहवाग को सौरभ को आउट कर दिया. बॉल मिडल लेग पे हो तो फ्लिक कर देते थे, कट हो तो पॉइंट पे छक्का, और सीधा करो तो
मिड ऑन पे छक्का, और बाकी आपको फील्डर हमारे पता ही है माशाल्लाह, टर्मिनेटर खड़े होते हैं सीधे, कोई हिलना जुलना नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे साथ पता नहीं कौन खड़ा है मिड ऑन पे, रजाक, हाँ हमारी लाडो खड़ी हुई थी रजाक, हमारा एक बड़ा लाडला प्लेयर है रजाक, बड़ा प्यारा प्लेयर है, कुछ बात करो नाराज हो जाएगा, उन्होंने कहा चाय चीनी पानी है, नाराज हो जाएगा, मुझसे क्यों पूछा तुमने। अच्छा वो खड़ा हुआ स्टेफ ऐसे ऐसे, वो मैं क्या टर्मिनेटर भाईजान, हिलते जुलते लो, वो मैं इतना जोर जोर से गया था, पीछे से आ, पीछे जा जरा, तो पीछे से आ। बहरहाल वो सचिन का दिन था और उसने हशर कर दिया हमारा, और आई मीन कोई समझ नहीं आ रही थी, मतलब इधर भी शॉट चल रही है, उधर भी चल रही है, यहां भी खेल रहा है, वहां भी खेल रहा है, बट इतना बड़ा प्लेयर जब ऑन द रोल हो, then there is no way that you can stop him, and you got to pay respect to the player at that day that this man is just thrashing around, that is his day, and you can't do anything much about it now. Pakar, you bowled to, I think usse badi ek innings, wo to khair no doubt world cup ka match tha, important match tha, to badi innings of course thi, india pakistan ka world cup ka match hamesha hi bada match hota hai, usse badi innings mere khayal mein jo usne pakistan ke against kheli, that was in chennai test match in 199. That was something special. You know, मैंने ऐसी इनिंग्स, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में की थी, है उसकी बैक को भी प्रॉब्लम थी, प्लस विकेट वॉज टर्निंग स्क्वेयर, सकलैन वॉज रियली बॉलिंग वेल, अफरीदी वॉज बॉलिंग वेल, एंड आर पी एस वसीम पिक्ड अप फाइव विकेट्स, एंड ही शेर का बच्चा अकेला खड़ा रहा, एंड ही जस्ट द वे आई थिंक स्कोर्ड 130 ऑड, और हार गया 14-15 रन, ये वो eventually at the end वो हमारा लग गया, जैक लग गया एट द एंड के जी, वो गलत शॉट खेल दिया, एंड देन मैं आपको विकेट की मुश्किल की बता रहा हूं कि वो उसके आउट होने के फौरन बाद उनके भी चार विकेट्स बाकी थे, एंड वी जस्ट रैप्ड इट अप इन टू एंड हाफ थ्री ओवर्स। अच्छा आपने वकार ने अभी ये जो बात की उनमें एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, शेर का बच्चा, सचिन के बारे में तालियां बजती हैं यार, शेर का बच्चा। वकार, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव, आपने इन चारों को गेन की, इंजमाम को भी अगर हम ले लें पांच, इनमें से सचिन तेंदुलकर कहां और बाकी सब कहां? देखें बड़ी ज्यादती होगी कि किसी को ऊपर करना किसी को नीचे करना, क्योंकि ये सारे आपने जितने नाम गिनवाए हैं दे ऑल वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, दे ऑल क्वालिटी। अगर आप कप्तान हो एक को चुनना हो टीम में, ऑफकोर्स तो फिर आप सचिन को ही पिक करेंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटीज जो है उसमें वो साब में नहीं है, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे जो जिस तरीके से खेलते हैं, देर मैच विनर, ऑल ऑफ देम आर अ मैच विनर, लेकिन सचिन का ये है कि ऑफ कोर्स ही व्हेन ही गेट्स गोइंग तो ये है कि वो फिर बहुत बड़े बड़े रन करते हैं, फिर 200-250, यू नो ही स्कोर्स बिग एवरी टाइम ही वॉक्स ऑन द फील्ड, इज अ सेंचुरी मेकर। आप उनका रेशियो देख लेना कि जो उनके जो फ्रॉम द 50s to 100 उनके उनके जो टर्न ओवर है, दैट इज अमेजिंग। आई मीन इतने लोगों ने इतने 50 रन जो 60 पे आउट होते हैं, 70 पे आउट होते हैं, ही ऑलवेज व्हेनेवर ही गेट्स 50 मोस्ट ऑफ द टाइम ही गेट्स 100, so I think that is one reason I'll probably pick him, but jo aapne naam liye I think they all fine players, they all very very good players.